एक फोन पर पुलिस ने पहुंचाई नाव, समय पर हुआ महिला का इलाज। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज़। बता दें कि थाना ललिया निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के सीयूजी नंबर पर मंगलवार भोर फोन आया कि साहब चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा है, बहू बीमार है। समस्या का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना निरीक्षक ने पुलिस कर्मियों के सहारे गांव तक नाव भिजवाया, जिससे नाव में सवार होकर महिला को क्षेत्रीय निजी चिकित्सक के यहाँ भर्ती कराया गया, जहाँ पर इलाज चल रहा है। बता दें कि थाना क्षेत्र के लोहारनपुरा गांव निवासी बड़कौ प्रसाद ने बताया कि मंगलवार भोर उनकी बहू नीलम की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। उन्हें बाढ़ कंट्रोल रूम का नंबर नहीं पता था, स्थानीय थाने का सरकारी नंबर पता था। उन्होंने सुबह करीब 4 बजे निरीक्षक के सीयूजी नंबर पर फ़ोन करके मदद मांगी। थाना निरीक्षक ने आनन फानन में पुलिस कर्मियों के सहयोग से गांव तक नाव पहुंचाने का कार्य किया। समय पर नाव मिलने से महिला का इलाज संभव हो सका। बता दें कि बीते एक सप्ताह से थाना क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका है, दर्जनों गांव टापू बने हैं, मुख्य रास्तों पर जलभराव होने के कारण रास्ता बंद है। जिला मुख्यालय से तराई को जोड़ने वाला ललिया हरिहरगंज मार्ग जगह जगह कट गया है और पानी भरा है, जिससे आवागमन संभव नहीं है। रास्ता बंद होने के कारण जिला स्तरीय अधिकारी यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्षेत्रीय वासी तार बाबू राम निवास मनोरथ ललन प्रसाद मालिक राम राम राधे श्याम बड़कन आदि लोगों ने बताया कि यहां कोई समस्या होती है तो क्षेत्रवासी निकटतम पुलिस स्टेशन पर आकर अथवा दूरभाष से पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा यथोचित मदद किया जाता है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के कार्यों की सराहना की। यार यार